नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हैं प्रवीण कुमार मिश्रा जी। प्रवीण कुमार मिश्रा जी की खासियत ये है कि पहले ये श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। कई कंपनियों में आपने इंश्योरेंस सेक्टर में वर्षों तक काम किया, लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज की तारीख में आप श्री शक्तिगृह उद्योग नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं, या कोई भी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कौन सा चुने और कौन सा रोजगार करे, इन सब बातों के लिए प्रवीण कुमार जी मिश्रा जी मदद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रवीण कुमार मिश्रा जी से। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्रवीण जी, एक चीज़ ये बताइए कि एक जिस व्यक्ति के दिमाग में नौकरी आ जाती है, या जो आदमी एक बार नौकरी करने लगता है जी, वो नौकरी से बाहर जा नहीं पाता, आप नौकरी से कैसे बाहर निकले? बिल्कुल, मतलब जहां आप नौकरी कर रहे थे उन लोगों ने आपको इतना परेशान किया इसलिए नौकरी छोड़ दी, या कुछ अपना करने की या कुछ बड़ा करने की योजना थी इसलिए नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आपने पूछा। परेशान ऐसा किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, बट बचपन से ही बोले तो जब से मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो शुरू से ही मेरा कुछ बड़ा करने का था, सब कुछ ऐसा था। जॉब करते करते वहाँ जहाँ भी रहा हूँ वहाँ भी हमेशा ऊंचाइयों पे ही रहा हूँ, टॉप परफॉर्मर ही रहा हूँ, और अपनी पूरी हमेशा कोशिश रहा हूँ कि बढ़िया सब करें। अचानक मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अब तो एज भी मेरी हो रही है, अब धीरे धीरे जो मेरा लक्ष्य था वो लक्ष्य से हटते जा रहा था इधर उधर करके, तो मेरे दिमाग में आया कुछ अपना मैं व्यवसाय स्टार्ट करूँ। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था गूगल में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो किसी मशीन के बारे में एक दो जगह गया, देखा, समझ में आया, तो मेरे को लगा कि एक मशीन या उद्योग लगा के मैं ऐसा कुछ कर सकूं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं एक मशीन लगा के मैं 5 लोगों को 10 लोगों को सिर्फ रोज़गार दे पाऊंगा, कुछ ऐसा करूं कि लोगों को रोज़गार भी मिले प्लस मेरा भी जीवन यापन चलता रहे। तो उसी सिलसिले में मैंने बस एक रात का ये कहानी है, अपने छत में जाकर टहलते हुए मैंने प्लानिंग किया कि कैसे क्या करना है। तो मेरे दिमाग में नहीं, लोगों को रोज़गार दें तो कैसे दें, क्या करें, उसके लिए मैंने अपना श्री शक्तिगृह उद्योग कंपनी का मैंने विस्तार किया, स्टार्टिंग किया, और धीरे 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 जितने भी लोगों को मैंने रोज़गार के लिए प्रेरित करना हुआ कि कहाँ से मशीनरी आएंगी, कैसे आएंगी, कैसे उसका ट्रेनिंग होगा, कैसे स्टार्टअप होगा, एवरीथिंग करके हम उसको स्टार्ट किए जी। ये श्री शक्ति में आपकी वर्किंग क्या है, मैंने क्या आप करते क्या है? जी, मेरी कंपनी जो है सर, वो एक्चुअल में लोगों को, जैसे अभी बहुत सारे अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, और अपने जो सांसद जी यहाँ पे हैं, विधायक जी हैं, जो भी अपने प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका सबका है कि स्टार्टअप इंडिया, लोग अपने से रोज़गार कुछ करें। और आज के डेट में अगर देखें स्टार्टअप इंडिया का सर, जो ग्रोथ है भारत की, ग्रोथ के लिए है बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कि MSME का 50% अब रेशियो पहुंच गया है इसमें करके। तो मेरे कंपनी का जो काम है सर, जैसे कई लोग रोज़गार करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 100%, मतलब एक एग्जांपल लेके हम लोग चले तो अच्छे से इसको समझा पाएंगे कि सपोज 100 लोग रोज़गार करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब 100 में से 100 लोग सर्च किए कि हमको करना क्या चाहिए, तो उनको तो यही समझ में आया पहले कि हमको करना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ठीक है अपना सर्च किए सारी चीज़ें के, जो कम पढ़े लिखे हैं या कि जो जिनको नॉलेज पढ़ने के बाद भी जिनको नॉलेज नहीं कैसे क्या करना है, तो सर्च किए, सर्च करते करते 10 लोग तो इसी में आउट हो गए कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा, कहाँ से कैसे होगा, ये होगा। बचे 90 लोग, 90 लोगों में अब आया कि मशीनरी कहाँ से सेलेक्ट करें। अब मशीनरी का क्या है सर, जैसे हम लोग अभी सतना मध्य प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, मशीनरी की अगर बात करें तो अहमदाबाद की बात करें, गुजरात में, सूरत में, दिल्ली में बहुत सारी मशीनरी हर जगह जहाँ से मिलती हैं। अब मशीनरी जाएँ कैसे लेने, अब वहाँ पे आए ठीक है चलो किस तरह सर्च कर लिए, तो उसमें से 10% फिर से छट गए कि मशीनरी आएगी कैसे क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम, अभी बहुत सारे और आगे भी स्टेप हैं, लेकिन यही सब प्रॉब्लम चीज़ों को करके मेरी जो कंपनी है वो पहली चीज़ तो वैल्यू एडेड सर्विसेज हम लोग देते हैं, मतलब किसी की लाइफ में हम लोग किसी को वैल्यू एडेड कर सकें। तो मशीनरी कहाँ से आएगी, कैसे मशीनरी आएगी, वो वर्किंग कैसे करेगी, उसका जो ट्रेनिंग कैसे होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कच्चा माल कैसे आएगा, बन के वो बिकेगा कैसे, एवरीथिंग मेरी कंपनी इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करती है पूरा, मतलब मशीनरी प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर देना, पूरी सर्विस देना। सबसे ज़्यादा मेरी कंपनी सर्विस पे फोकस करती है, क्योंकि मशीनरी तो सब कहीं से भी ले सकते हैं, बिक सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन हम लोग की सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी है। मिश्रा जी, एक चीज़ पूरे देश में जी, मैं बीते कई वर्षों से एक बड़ा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप जी, मुझे स्टार्टअप कहीं दिखता नहीं कि कहीं कोई स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ठीक है, मतलब लग रहा है सर, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप है, क्योंकि पहले की बात करें सर तो पहले के लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती ही नहीं थी,
कि हमको अपना खुद का व्यवसाय करना है या कि बिजनेस करना है या कि स्टार्टअप हमको करके आगे इंडिया की ग्रोथ में एक इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको थोड़ा सा मदद करना है। बट आज के डेट में देखिए कम से कम इतना लोग जागरूक हो गए हैं कि अपना इतना तो सर्च करते हैं कि हमको अपना उद्योग करने के लिए कहां से क्या चीज़ें आएंगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात अगर स्टार्टअप की बात करें तो वाकई भी उस टाइप से निकलते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट बोली कि स्टार्टअप इंडिया लोन यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे, मुद्रा लोन यहाँ से करवाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, आप लोग स्किल ट्रेनिंग देंगे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र वगैरह चल रहे जो भारत सरकार की स्कीम वगैरह। बट कई लोग ऐसे हैं सर कि इन चीज़ों को प्रॉपर उन लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ भी रहे तो बस स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया करके वहाँ पर रुक जा रहे हैं। लेकिन उनको मदद जो चाहिए सर कि कहाँ से कैसे, जो मैंने अभी शुरू में बताया कि मशीनरी कहाँ से आएगी, इसको लगे कैसे, ट्रेनिंग कैसे इसकी होगी, माल कहाँ से आएगा, बन गया तो बिकेगा कैसे, उनके पास ट्रेनिंग की स्किल है कि नहीं है, तो इसके लिए उनके पास कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देख के अगर देखें तो स्टार्टअप तब दिखेगा जब ये प्रॉपर चीज़ें उनको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि की जाएंगी। अभी तक आपने कितने लोगों को स्टार्टअप कराया? अभी तक सर मेरी कंपनी को करीब 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल लोगों में, 5 सालों में सर ज़्यादा तो नहीं बट मेरा जो आंकड़ा है करीब 350 से 400 लोगों को मैंने स्टार्टअप में काम किया है, उन लोगों को उद्योग लगवाया है ऐसे करके, जिसमें से अभी बहुत सारे ऐसे सत्ता में भी लोग हैं, बहुत सारे पूरे इंडिया लेवल में हमारे लोग हैं। मतलब कि मैं मेरी जो उद्योग मशीनरी लगी हैं जो स्टार्टअप करवाया है वो हैदराबाद में भी अभी मैंने लगाया है, जो ये बैंडेज रोलिंग मशीन आता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लगाया है, अपने सत्ता में भी आप जानते भी होंगे और नाम है बिटिया वाशिंग पाउडर शर्मा जी हैं, उनको लिए भी मैंने लगाया है। तो ये जो करना चाहते हैं तो जब भी मतलब जैसे 350 में लोग बात करें, 350 में से करीब 150 से 200 लोग जो हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आज बहुत अच्छा ग्रोथ किए हैं। एक मशीन से ऐसे ऐसे लोग, चित्रकूट में मैंने ऐसी मशीन लगाई है कि जो अगरबत्ती और दोना पत्तल की मशीन आती है, एक मशीन उन्होंने लिया, बाद में इतना बढ़िया उनका काम करने का तरीका रहा, इतनी बढ़िया मार्केटिंग का उनका सिस्टम रहा, पूरा सपोर्ट हम लोगों का बैकअप में रहता ही है कि कैसे क्या होगा। तो एक मशीन से आज के डेट में वो 5-5 मशीनें उनके पास हो गई हैं। जो आदमी मतलब 5,000-6,000 की नौकरी करता था आज के डेट में 1 से 1.5 लाख रुपये महीने का इनकम वो कर रहे हैं। आपने 5 साल में बहुत सारे लोगों को रोजगार लगवाया, आपको क्या समझ में आया? बेरोजगार तो आपके समझ में आए, लेकिन आप ये चीज बताइए कि इस क्षेत्र में बेरोजगारी है या मकारी है? नहीं सर, मैं तो मेरी पर्सनल ये सोच है, मतलब मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि कौन क्या है, लेकिन पर्सनल मेरी जहाँ सोच है बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी उसको जी मतलब मेरा भी अपना ये मानना है कि जिसको रोजगार ढूंढना है या रोजगार करना है वो कुछ न कुछ तो कर लेगा, बिल्कुल करेगा सर। 100% लेकिन ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा जो देश में लोग बढ़ा रहे हैं वो वाकई में बेरोजगार नहीं है, वाकई में वो मक्कार है। बिल्कुल सर, मैं इसका बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ इसके बारे में। बेरोजगारी और मक्कारी में दोनों बातों में बिल्कुल सर है। अब अपने यहाँ ही मैं स्टार्टअप की बात करूँ कि कम से कम नहीं तो मैं 500 लोगों को मोटिवेट किया, एक एग्जांपल की मैं बात करूँ, 500 लोगों को मैंने मोटिवेट किया जिसमें 350 लोग ने अपना उद्योग लगाया। उन 350 लोगों में भी मैं बताऊँ सर कि 150 से 200 लोग ऐसे थे जो आज के डेट में मशीन को अपने उनको बेचना पड़ा और वो फिर से अपने नौकरी या किसी भी दूसरे काम में अपना वाइंड अप कर चुके हैं। तो इसमें बेरोजगारी वो है कि जो भी आदमी अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, लाइफ में कुछ अपना ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके बहुत सारे ऑप्शन है सर, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रोजगार हैं, बहुत सारे अपना अगर जॉब में जाना चाहे तो जॉब भी उनके पास बहुत सारा है, स्टार्टअप अगर ना करना चाहे बिजनेस का तो वो भी करना चाहे। लेकिन जिसको लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, सुबह एकदम 8 बजे 9 बजे सो उठना है, रात भर वो फालतू की चीज़ें सोशल मीडिया पे वो सर्च करना है, सोशल मीडिया पे पूरे घुसे रहना है, उनके लिए वाकई में बेरोजगारी है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं, अगर करना चाहें मक्कारी कहेंगे इसको। एक स्लोगन था कि जब बैठे बैठे मिलता है खाने को तो बेटा क्यों जाए कमाने। राइट सर, बिल्कुल कमोबेश स्थिति। बिल्कुल एक चीज़ और भी आती है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना भी चाहते हैं जी, उसमें शासकीय मशीनरी बहुत माने किंतु परंतु लेकिन इतने लकुने लगा दिए जाते हैं कि वो आदमी शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी सर बात करें तो उद्योग विभाग के जहाँ से मतलब ये खादी ग्राम उद्योग से बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिल रही है, लोगों की भी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें 2-3 चीज़ें जहाँ तक मैं सर देख पाया हूँ या थोड़ा सा जो समझ पाया हूँ, बैंक लोन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है सर, इसमें भी मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा, जो अपनी संस्थाएं हैं मतलब बैंकों की अगर हम बात करें या उद्योग विभाग की बात करें या खादी ग्रामोद्योग की बात करें, कौशल विकास केंद्रों की बात करें, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है कि आपको बिना किसी भी प्रूफ के आपको लोन दिया जाएगा, आपको स्किल के लिए कौशल विकास केंद्र में आपको स्किल पूरी सिखाई जा रही है, पूरी ट्रेनिंग फ्री आपका दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि बैंकों से लोन तो ले लिए,
किसी तरह से करके, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरी चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी हैं। किसी ने सपोज सर 10 लाख का लोन लिया, उसको रोजगार नहीं करना था, उसको जस्ट बैंक से लोन लेके चीज़ों को लोन जैसे मिला, तो समझ लीजिए पूरा 10 लाख हमारे पिताजी हमारे अकाउंट में डलवा दिए हैं। अब उसको यूज़ करके दुरुपयोग किया उसने। अब जब दुरुपयोग करेगा सर, वो प्रॉपर वो बिजनेस नहीं चला पाएगा, तो उसकी किस्तें नहीं जा पाएंगी। तो इस तरह से अगर बैंकों का सर्विस किया जाए सर, तो कम से कम अगर एक एग्जांपल के अगर 1 लाख लोन हुए होंगे, 1 लाख लोगों के लोन हुए होंगे, तो उसमें से आप डिफाल्टर की आप देखें तो 90% डिफाल्टर मिलेंगे सर आपको। 10% ही लोग ऐसे हैं कि जो लोन को तुरंत पटा के फिर नया बड़ा लोन लिए, फिर उससे बड़ा लोन लिए और आज के डेट में बहुत बड़ा अपना वो कर गए। तो जिसको ज़रूरत की बात है, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना जरूरत के लोन लेके तो अपना सब कुछ खराब कर दिए हैं, लेकिन कई लोग जो वाकई में जिनको जरूरत है आज लोन की, तो सिर्फ इन निकमों के कारण वो भी बेचारे सफर कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर लोन नहीं मिल पा रहा, उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो शासकीय बैंक है जी, जहाँ से लोन होता है, वो बिना रिश्वत के लोन होते नहीं है, क्या अनुभव है आपका इसमें? रिश्वत का सर इसका तो आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं तो अभी इस चीज़ों को नहीं देखा हूँ। बट हाँ सर, ये चीज़ को थोड़ा सा मैं रिश्वत सब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं जरूर बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट संस्थाएँ हैं, बैंकें हैं, तो उसमें क्या सर, इतना ज़्यादा लोग, उन लोगों का कार्यशैली जो है, कार्य प्रणाली है, मतलब इतना धीरे धीरे, मतलब आराम से जैसे लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ रस ही नहीं बचा, मतलब बेरस, बिना मतलब बिना बात किए हुए अजीब ढंग से बात करना, लोगों को बिना सपोर्ट करना, चल रहा फाइल आई है, चलो यार एक दिन दो दिन ऐसे रहते हैं, तो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना उनको दौड़ना पड़ जाता है कि लास्ट में थक हार के बोलते नहीं चाहिए भैया ऐसा लोन। अब उनको मन में क्या है, उनको रिश्वत के लिए ऐसा करते हैं, या उनको काम करने का मन नहीं करता है, या उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए मजा लेने के लिए करता है, ये उनका अपना मैटर, ये मेरे को उतना नॉलेज नहीं है जी। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि आपने जिसको कहते हैं ना कि रेत में जहाज चलाने की कोशिश की है, कि विंध्य क्षेत्र में आपने जितनी बड़ी हिम्मत जुटाई कि हम बेरोजगारों को, जब यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता, यहाँ लोग उद्योग स्थापित ही नहीं करना, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सर्वाइव करते हैं, मैंने क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये सवाल है सर, इसीलिए सर वाकई में अपने मुंह अपनी तारीफ करने में थोड़ा सा एक अजीब लग रहा, लेकिन सर ये श्री शक्ति ग्रह उद्योग, इसको गूगल में जाके एक बार आप कोई भी जो आपके दर्शक हैं वो भी एक बार सर्च कर सकते हैं, श्री शक्ति ग्रह उद्योग सत्ता गूगल में सर्च करेंगे सर, इंडिया का तो ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉप कंपनियों के लिस्ट में होगा या टॉप लोगों को जो ऐसा स्टार्टअप में मदद करता होगा, बट सर एक छत के नीचे 200 प्रकार के उद्योग आइडियाज़ का हम लोग वहाँ पे बताते हैं, और वाकई में ये आपने सही बोला कि विंध्य क्षेत्र के लोग उस चीज़ को उपयोग, मतलब फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी मशीनें मेरी अभी मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताया कि सोचिए कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, हैदराबाद साउथ में आप चले जाइए, इधर पूरा आप चले जाइए, मतलब दूर दूर तक मेरी मशीनरी पूरे इंडिया में जा रही है, बढ़िया लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, बट यहाँ पे लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता बोलें या बोले तो लोगों को अभी शायद पता ना हो, ये भी हो सकता है कि उनको पता ना हो कि यहाँ पे कहाँ पे कैसा क्या होता है, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बोलूँगा कि जैसे हमारे कलेक्टर महोदय साहब हैं, हमारे सांसद महोदय साहब हैं, विधायक जी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके पास पहुँचना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा अगर प्रोग्राम हो, कुछ भी लोगों का स्टार्टअप हो या कि कुछ लोगों को रोजगार से संबंधित कुछ बात करना हो, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे को वहाँ पे बुलाया जाए, मैं लोगों को एक बार प्रेरित करूँ, बताऊँ तो सही कि हो क्या रहा है, कैसे लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे अपना उद्योग लगा सकते हैं, कहाँ से इनको क्या सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलेगा। मेरा जो अभी मैंने बताया सर कि श्री वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो हमारी एक कंपनी है, दो कंपनियाँ, एक श्री शक्ति ग्रह उद्योग, एक है श्री वैल्यू एडेड सर्विसेज। श्री वैल्यू एडेड सर्विसेज मेरी जो है सर टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज हम लोग नहीं करते हैं, फ्री में हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, पूरी उनको मोटिवेट करते हैं, पूरा जानकारी देते हैं, पूरी सर्विस देते हैं, उनका जो सामान बिकने के बाद, बनने के बाद जो उनको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ भी जो भी बनाएंगे, वो कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, इसका भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार सरकार इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आगे आए, मेरे को एक बार एक मंच दे, प्लेटफॉर्म दे, जो कि अपने विंध्य क्षेत्र को एक हम लोग अच्छा काम कर सके और एक लोगों को यहाँ पे अच्छा रोजगार दिला सके। वैसे एक चीज़, आपने इतने दिनों से इतना सब कुछ काम किया जी, विंध्य क्षेत्र में अगर कोई बेरोजगार उद्योग लगाना चाहता है जी, तो सबसे ज़्यादा संभावना किस रोजगार में है? बिल्कुल सर, अभी सर अपने को, मैं लोगों को भी यही चीज़ बताता हूँ, मेरा जो, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ या समझता हूँ, अपने को दो चीज़ों में फोकस करना है सर। पहली चीज़ तो ये कि जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हो उस पे पहले घुसना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसका कि ब्रांडिंग ना हो,
ब्रांडिंग इस में सर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्रांडिंग है तो हम उसमें नहीं बढ़ सकते हैं, बट ब्रांडिंग अगर है सर तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दो चीज़ें आप खाली देख लीजिए कि डेली यूज़ वाली हमारी चीज़ें जो प्रोडक्शन हो कि डेली यूज़ हो रहा उसको हमको बनाना है, प्लस जिसका कोई ब्रांडिंग ना हो। एग्जाम्पल मैं बता दूँ तो आप ब्रांडिंग से समझ पाएंगे, जैसे फूड आइटम में ले लें सर कि चाउमीन की बात करें, नूडल्स, नूडल्स में आप जाएंगे तो नॉर्मल पन्नी में पैक रहता है, उसमें कोई आपका ब्रांड नहीं होता है। कागज़ के अभी जो प्लास्टिक और थर्माकोल वाकई में गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा ये कदम हुआ कि जो अभी 1 जुलाई से पूरा टोटली बंद कर दिया है, तो उसमें भी कागज़ की बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं, जैसे दोना हो गया, पत्तल हो गया, कागज़ की जो कप हो गए, ग्लास हो गए, ये सब सारी चीज़ें हैं जो इनका भी अब लोगों के प्रति मतलब कि मार्केट में इसका डिमांड अब बढ़ने वाला है। और ये क्या डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं सर, और डिस्पोजेबल हैं कि एक बार मतलब यूज़ किए, यूज़ एंड थ्रो, फिर उसका यूज़ फिर से जनरेट हो गया। तो अभी ये सब सारी चीज़ें जो है मतलब कि अपने को दो चीज़ें खाली फोकस करना है कि जिसका कि डेली यूज वाला प्रोडक्ट हो वो अपने को मशीन लगाना है, उसका उद्योग लगाना है, और दूसरा कि जिसकी कोई ब्रांडिंग हो, अगर ब्रांडिंग भी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है मसाला में, अभी मैंने अभी जस्ट लेटेस्ट 2 महीने पहले एक उद्योग लगवाया है, एक उद्यमी है मिस्टर संजय केसरवानी, और उन्होंने अभी लेडी कुक के नाम से अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, बेहतरीन उनका काम स्टार्ट हुआ। अब बोलेंगे कि मसाला में तो ब्रांडिंग है, बिल्कुल सर राइट, मसाला में ब्रांडिंग है, जैसे अगर खड़े गरम मसाला की बात करें, मीट मसाले या जो भी करें तो उसमें कई आते हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम ले सकते हैं, MDH है, एवरेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग बोलेंगे भाई यही मेरे देना। बट सर अगर वो अभी जो चला रहे हैं वो क्या रहे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। आप भी मार्केट में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भैया एवरेज का धनिया देना या इसका धनिया देना या इसका मिर्ची देना इसका पाउडर इसका हल्दी देना, ये नॉर्मल चलते हैं। तो अगर हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है तो बिना ब्रांडिंग के काम को स्टार्ट करें, जब आपका धीरे धीरे स्टेप 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 आपका चला जाए बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर मार्केट में जिनका कोई नामो निशान नहीं था। एग्जाम्पल ले लें सर, अभी सबसे बड़ा घड़ी का, घड़ी जो वाशिंग पाउडर आता है, अभी 10 साल पहले क्या उसकी कोई औचित्य कोई नहीं थी, मांगते हैं तो ये कह देते हैं घड़ी वाला निर्मा दे दो ही ब्रांड, राइट सर राइट, लेकिन आज निर्मा मार्केट से बाहर है, बाहर है। तो ये चीज़ें लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रांडिंग है तो उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं टक्कर। जैसे अभी बिटिया वाशिंग पाउडर देखिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा संजीव भाई काम कर रहे हैं, और इतने कंपटीशन के बाद भी अपने ब्रांड को आज प्रमोट करके और सत्ता में कई लोग जानते हैं। तो ये जो मेरे से जुड़ के जो वाकई में लोग करना चाहते हैं कि लाइफ उनको कुछ आगे बढ़ना है तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और इसको कुछ नहीं करना सर तो उसके पास तो ले जाके अभी हम मशीन लगा देंगे, चालू कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, सर्विस दे देंगे, पूरा उनका मार्केटिंग का बना देंगे, कैसे क्या करना है तब भी नहीं करना तो कुछ उसके लिए तो कुछ ही किया ही नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रवीण जी आप हमारे स्टूडियो आए और बेरोजगारों के लिए बहुत सारी अच्छी जानकारी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद।